दिल्ली के बुरारी के झरोदा संगम बिहार की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बुलडोजर चलने वाली थी 5000 घरों पर, बुलडोजर नहीं चलेगी। इन लोगों को एसके ऑर्डर मिल गया है 22 फरवरी 2024 तक। क्या कहना चाहते हैं आप लोग इस तरह जो माहौल बना हुआ है? इस समय इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, जो हमें वकीलों की टीम जो है हमारे विधायक जी के माध्यम से दी गई, बहुत मजबूत टीम थी, उसके साथ हमारी RWA पूरा हमारे संगम बिहार के मौजूद लोग, जिम्मेवार लोग खड़े होकर हमने सबने डॉक्यूमेंट्स दिए, और मैं उस टीम का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें स्टे दिलाकर राहत दिलाई। और इसी तरीके से हम कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू और मुस्लिम पूरा समाज मिलकर इस संगम बिहार की लड़ाई को लड़ेगा, और आगे पूरा मुकदमा लड़ने के बाद हम जीत कर आएंगे, यही मेरा। मुझे ये बताएं, झरोदा और संगम बिहार को उजारने के लिए पूरी प्रक्रिया कर दी गई थी, लोगों में दहशत का माहौल था, लोग डर रहे थे, कितने लोग सदमे में चले गए, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, अब स्टे मिला है, तो कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई आपकी तरफ से? कोर्ट में देखिए, वकीलों का पूरा पैनल था, सांसद की तरफ से, विधायक की तरफ से, सभी की तरफ से, सारे वकीलों की टीम थी, सभी वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी कोर्ट के सामने। सच्चाई ये है कि आज तक कोर्ट के सामने सही बात किसी ने रखी ही नहीं थी। जब कोर्ट के सामने सही बात रखी गई, फोटो रखी गई, विजुअल रखी गई, उसके सारे अधिकारी जितने भी सबूत है सारे रखे गए, और जो 1753 कॉलोनिया पास थी उसकी भी सबूत रखे गए, तब जाके कोर्ट को विश्वास हो कि नहीं, हम गलत थे और ये जो रिपोर्ट है सही है, उसके आधार पर कोर्ट ने स्टे दिया है, जो कि 22 फरवरी 2024 तक का स्टे दिया। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि आने जब आगे आप पेश करिए तो और भी जो भी सबूत है वो सारे सबूतों के साथ तथ्य रखिए, जिससे कि और अच्छा निष्कर्ष निकल सके और लोगों को राहत मिल सके। एक हरियाणा का उदाहरण भी दिया है कि हरियाणा में एक ऐसी इसी तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो वहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसने जब उसको भी ये बात पता नहीं था, उसको भी अवैध बताकर उसको तोड़ने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जब कोर्ट को पता चला था तो उसने अपने ही ऑर्डर को डिस्क्लोज कर दिया था, और वहाँ के जो निवासी रहने वाले थे उनको रहने का अधिकार दिया, उनको आज वो रह रहे। तो कोर्ट ने यही बात बताई, यहाँ पे भी यही बात करी कि इतने लोगों जो 20 लाख 10 लाख जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं उनको हम बेघर कैसे कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा इसमें सही तथ्य रखिए, सही तथ्य के बाद ही हम इस पर फैसला देंगे। अब क्या लग रहा है, आप घर नहीं टूटेंगे आपके? आप घर नहीं टूटेंगे बिल्कुल भी, किसी का भी नहीं। उसके पीछे सभी मिलकर इसमें लगे हुए हैं, कोर्ट से भी बहुत राहत मिल रही है, सभी लगे हुए हैं और अब टूटने की कोई उम्मीद नहीं है। जब आप लोगों को सुनने को मिला कि ये घर ढा दिया जाएगा, क्या उस समय का माहौल था आप लोगों के जीवन में? देखिए, हम लोग जो है आज सुबह हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट में जो है हमारे माननीय विधायक सांसद महोदय जो भी जनप्रतिनिधि हैं सभी की तरफ से जो वकील थे वकील वहाँ पेश हुए, और वकील ने सबने अपनी दलील रखी, और जो LNDO ने हमें एक नोटिस दिया था कि हमारे घर तोड़ देंगे, हमारे घरों की बिजली काट दी जाएगी, हमारे जो है मकान रोक दिए जाएंगे, हमारे छतों को छीन लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके नोटिस पे सरकार ने जो LNDO ने जो नोटिस पास किया था उस पर स्टे लगाया है 20 फरवरी 2024 तक के लिए, और सरकार ने साथ ही साथ ये हिदायत दी है कि तब तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी के मकान की बिजली ना काटी जाए, किसी का पानी कनेक्शन ना काटा जाए, किसी की ईंट को छेड़ा ना जाए, तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। और साथ ही साथ जो हमारे जैसे आपने सुना होगा कुछ समय पहले कि उत्तराखंड के जो है इलाके में, उत्तराखंड में एक ऐसे मैटर हुआ था जहां रेलवे की ज़मीन जो है वहां तोड़ी जाने की जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दी, और फिर उस ऑर्डर के बाद जब देखा कि 50,000 लोगों की छतें छिन जाएंगी तो उसको फिर उन्होंने रिवोक किया और वहाँ रिलीफ दी। तो उसी आधार पे चूँकि हमारी कॉलोनी 2007-2008 में रेगुलेशन प्रोविजनल रेगुलाइजेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो LG साहब की गजट नोटिफिकेशन के आधार पे दिया गया था, जिसको कोर्ट ने माना, और मानते हुए आगे के लिए भी ये कहा कि जो हमारे जो नीरज वर्सेस जो मैटर को देख रहे हैं वो अपने पेपर्स को सही करके दोबारा से जो हमारे जो इसके तथ्य को सामने लाएँ। फिलहाल जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने दिवाली नहीं मनाई उनको एक अब जो है छठ पूजा का अवसर, छठ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे ये बताएं, अब तो डर रहेगी ना, कहीं ना कहीं जब तक ये कोर्ट में केस चल रहा है तब तक अभी तो डर नहीं, लेकिन ये तो मन में तो बैठ गया ना, ये जमीन विवादित है। जमीन विवादित है या नहीं है अब तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लड़ेंगे जीतेंगे, जमीन विवादित नहीं है, लड़ेंगे जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम पूरे समाज को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकजुट होके लड़ाई लड़े हैं,
इसमें कोई नहीं है कि लोग सड़क उतर के संघर्ष जी सारे मिलके ना दिन रात एक मेहनत हमें जो राहत मिली है बहुत अच्छी मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। हम एकदम न्यायालय के अधिकार को मानेंगे, हर चीज को मानेंगे और हम लोग ऐसे नहीं है कि हमने कोई किसी विवादित जमीन खरीदी, हमने जमीन खरीदी है खेती से जी, जिसने किसानों से खतौनी और पावर अगर जीपीए पे हमें मीटर मिला है, जीपीए पे हमें आधार कार्ड मिला है, जीपीए पे हमें क्या पैन कार्ड मिला, जीपीए पे हमें क्या बोलते हैं पासपोर्ट मिला है, सब चीज हमें जीपीए पे फर्स्ट पेज पे मिली है, तो हमारी जमीन क्यों नहीं मिलेगी हमें? जी हाँ, ये जमीन हमारी है, हम इसके अधिकारी हैं। माननीय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज भी हमारे वकील ने बहुत अच्छे से कर उसको रखा है, आगे भी इस केस को हम पूरी तरह से लड़ेंगे अपने लोगों के बीच से हमेशा, और ये लड़ के जीत के ही आएंगे, जीत के आएंगे, ये पूरा भरोसा है। ये यहाँ का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल बन गया है, जो कल की तस्वीर थी दहशत वाली और आज यहाँ पर खुशी की तस्वीर है। क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर, ढोल नगाड़े बज रहे हैं आपके एरिया में? जी बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग खुश है। डर है कि नहीं? अब डर नहीं है जी, कोर्ट ने तो स्टे ऑर्डर दिया है, फिर तो चलेगी ना बुलडोजर उसके बाद? नहीं नहीं, बुलडोजर नहीं चलेगी, हमारे हक में ही फैसला आएगा, आज भी हमारे हक में है, कल भी हमारे हक में ही रहेगा। लेकिन जिनको जमीन मिलनी थी उनको तो नहीं मिली ना? अरे उनका था ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? था ही नहीं उनका, उनका था ही नहीं, हमारा ही था, हमारी मिलेगी। अगर था तो इतने दिन से कहाँ थे, आके अपना कब्जा करके रहते? वो तो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, तो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, यहाँ पे तो कुछ हमें बताते हैं कि हम कोर्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताइए जिन निकला कहाँ से, कौन भेजा, किसने डाला यहाँ पर? इसमें जो कुछ लोगों की साजिश उदिश नजर आ रही है उसके तहत ये जल्दी जल्दी फैसला, साजिश थी, साजिश थी, जब लोगों को पता चला तो उनकी साजिश फेल हो। यहाँ के आम जनता को साफ साफ कहना है, ये जो जीन बाहर निकला था ये साजिश के तहत निकला था, ये कोई चीजें नहीं थी। ये देख सकते हैं लोगों में भीड़ है, प्रेजेंट फारूक अहमद हूँ, ठीक है। दरअसल क्या है, सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से संबंधित विभाग के अधिकारी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जी हाँ, ठीक है, और उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये वकीलों की टीम ने, ठीक है ना, और जो अपने संबंधित अधिकारी हैं जैसे कि दिल्ली पुलिस है, मैडम ACP है, ठीक है, और हमारे एक JDU सिद्दीकी जी हैं, RW है, सब ने मिल करके इस लड़ाई में सहयोग किया, और LND बिल्डिंग के जो अधिकारी ने उन्होंने हमारा साथ दिया है, और पूरी जनता ने सब समाज के लोगों ने इसमें लड़ाई में शामिल हुए, जब हम एक मुट्ठी रहे ना तब जाकर के हम केस जीते हैं, ये किसी को कोई क्रेडिट नहीं है, जनता का क्रेडिट मिलेगा। जी हाँ, साफ साफ तस्वीर आपने देखा था, लाखों लोग सड़क पर थे, ये क्रेडिट उन्हें जाता है जो लाखों लोग सड़क पर उतर कर दिल्ली को 5 घंटा जाम रखे थे, वही नतीजा है कि आज इन्हें राहत की सांस मिली है, ये सांस ले रहे हैं। जो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए वो घर अब आ गए, चुनी उन्होंने खुद कहा है कि मेरा घर बच गया, मेरा असियाना बच गया, जिस असियाना को खरीदने के लिए मैंने पाई पाई जमा किया था उसे आप लोगों ने बचा लिया। ये जो जीन है जो निकल के सामने आया है, लोग इनसे मिलना भी चाहते हैं, आखिर वो कौन शख्स है जो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था, 5,000 घरों पर बुलडोजर चलाना चाह रहा था, लाखों लोगों की जिंदगी तबाह करना चाह रहा था। ये है दिल्ली के बुरारी के संगम बिहार की सच्चाई जो आप लोगों के बीच है, स्टे ऑर्डर मिल गया है, प्लीज इस खबर को जनता के हित में जरूर शेयर करें, धन्यवाद। भारत माता की जय। आज दिवाली मनाई जा रही है, आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।